ऑफ इंडिया नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो। अगर न्याय लेना तो सड़क पे आओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये जंतर मंतर का इलाका है नई दिल्ली। भारत की संसद यहाँ से केवल आधे किलोमीटर दूर है, लेकिन एक आवाज़ है जो न संसद तक पहुँच रही है और न ही यहाँ से ठीक उतनी ही दूर चुनाव आयोग तक। वो मांग है ईवीएम हटाने की, वो मांग है बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की। एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगा है दिल्ली के इस जंतर मंतर पर। सैकड़ों लोग आए हैं देश के अलग अलग इलाकों से। इस देश की हुकूमत तक, इस देश के चुनाव आयोग तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए कि कहीं ना कहीं हमारे वोट की चोरी हो रही है, हमारा जो मत है उसकी चोरी हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारे विश्वास की चोरी हो रही है, लोकतंत्र की चोरी हो रही है। और इस लोकतंत्र की चोरी के खिलाफ सैकड़ों लोग, हजारों लोग देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं। अभी भी आप पीछे देख रहे होंगे कि सैकड़ों लोग जमा हैं और वो कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाए जाने की ज़रूरत है, और अगर भारतीय लोकतंत्र को बचाना है तो सबसे पहले ईवीएम को हटाना होगा, फिर से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराना होगा, और तब कहीं जाकर ये लोकतंत्र बचेगा। बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर ऋतु हमारे साथ मौजूद है आर्टिकल 19 के प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर ऋतु का एक लंबा इंटरव्यू आपने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार फिर से देखिए। बहुत लंबे समय से धरने पर बैठी हुई हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थीं, इसलिए कि इनको एक अन्यायी और क्रूरतापूर्ण अभियान के तहत बहुत मैलिशियस कैंपेन चलाकर इनको वहां से हटाया गया। आज ऋतु इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहां पहुंची हैं। डॉक्टर ऋतु, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आर्टिकल 19 पर। बहुत शुक्रिया आर्टिकल। आप अपना धरना छोड़कर यहां आई हैं एक नए आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। बिल्कुल सर, और मुझे क्या सबको ही बनना चाहिए? जुल्म के खिलाफ जहां भी आवाज उठे आपको उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि सामाजिक आंदोलनों में निमंत्रण नहीं दिए जाते। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इनजस्टिस के अगेंस्ट इस तरीके से आवाम इकट्ठी हो रही हो देश को बचाने के लिए, तब आपका फर्ज बनता है कि आप उसके लिए इकट्ठे हों और आए अपनी आवाज उठाएं। और मैं डेफिनेटली इस आवाज को और मजबूत करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे भी जानना है कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी कीमती चीज वोट का अधिकार हमें दिया था, मेरा वोट जा कहाँ रहा है, मैं किसको दे रही हूँ। दैट्स माई राइट, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, और मुझे जानना है कि मैं नहीं चाहती हमारे सिर पे चोर आकर राजनीति करे और 5-5 साल शासक बन के हमें इतना प्रताड़ित करें कि हमारे पास कुछ ना रहे। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि सब ठीक ठाक है, और बार बार कह रहा है, सरकार कहती है कि सब ठीक है, जब तेलंगाना में सरकार बनती है अपोजिशन की तब आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर भारत में सरकार बन जाती है नरेंद्र मोदी की तभी आपको दिक्कत होने लगती है, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से आपको दिक्कत है। और ये अपने आप में जो ईवीएम हटाने की मांग है वो बहुत संदिग्ध मांग है। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है सर, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट को हायर करते हैं, एक छोटा राज्य दे दो और बड़ी बड़ी जगह अपने पास रख लो, ताकि लोग जब कहें तो आपके पास काउंटर करने के लिए हो कि देखो वहां तो उनकी सरकार बनी ना तेलंगाना में, यहाँ पे हम जीत गए, तो अब आप कह रहे हो ईवीएम मैनिपुलेट है। ये लोग ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि जहां से ये लोग बहुमत से आ जाए और इक्का दुक्का अगर किसी को थोड़ा बहुत दे दिया तो वो शक ना रहे। बट शक इस समय ऑपोजिशन पार्टीज की बात नहीं है, वो आए ना आए उनकी बात नहीं, इस समय जनता की बात है। पीपल ऑफ इंडिया नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो। अरे लोकतंत्र है, हमें अपना देश बचाना है, डेमोक्रेसी बचानी है, हम सड़क पे आए हैं, यहाँ पे कोई ऑपोजिशन तो नहीं है। जहाँ पे वो लोग हैं जिनको ये दुख है कि सब कुछ छीना जा रहा है, उसको अपनी राजनीति करनी है, उस पार्टी को दूसरी को अपनी करनी है, बीजेपी को गुंडागर्दी करनी है, राजनीति एक ऐसा डर का माहौल बना रखा है, लेकिन जो जनता है वो प्रताड़ित है, वो कह रही है नहीं है बस, अब हमें चेंज चाहिए, अब नहीं चलेगा ये, अब नहीं चाहिए, हमें पता करना है कि हमारे बच्चों की स्थिति कैसी है, भूखा गरीब और गरीब हो गया, अमीर अमीर होता जा रहा है, हमारे पास कुछ बच नहीं रहा। अभी भी हमारे आदिवासियों भाई बहन जो है हसदेव में, आप देखिए हसदेव में 20,000 वो घर तोड़े जा रहे हैं, खाली किया जा रहा है, 20,000 लोगों का जल जंगल जमीन का सवाल है। तो ये सवाल हमारे अंदर है, ये कौन पूछेगा? वहां पे पूरा देश का इतना बुरा हाल हो रहा है, शिक्षा महंगी होगी, रोजगार नहीं है, ये हम ही पूछेंगे ना सर? सरकार कह तो रही है कि इन आदिवासियों ने उजड़ने के लिए चुना है हमको, हमको जो मैंडेट है वही हम करेंगे, क्या दिक्कत? वही तो बात है, उन आदिवासियों ने नहीं चुना, उस ईवीएम ने चुना।
अगर आपके हाथ में कोई तंत्र है, कोई टूल है, एंड इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, आपके पास पावर है, सर आप मैनिपुलेट करोगे ना, आप एक रिमोट से दो टीवी भी तो चलाते हो ना, तो व्हाई कॉन, इट्स अ मैनमेड थिंग, वो मशीन है, जिस देश में जर्मनी से चुनाव होते हैं, व्हाई नॉट इन इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया वांट्स दिस, आई डोंट नो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही है, वो करे ना करे, लोग बदलाव चाह रहे, लोग चेंज चाह रहे, हम नहीं चाहते कि हमारा शोषण किया जाए, हम नहीं चाहते कि, मैं एज ए वुमन नहीं चाहती कि महिलाओं का अपहरण हो, महिलाओं के सदरेप हो, ये बर्बरता हो, हमारी आवाज आगे नहीं जा रही, आप 33% आरक्षण लाते हो मनुवादी महिलाओं को मजबूत करने के लिए, वेयर आर वी स्टैंडिंग, हम कहां पे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, तो जो 85% हम कहते हैं, अगर आज के हिसाब से सेंसस होगा तो पता नहीं हम 92% प्लस होंगे, हम कहां खड़े हैं सर, हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये हमारी आवाज है जो दबाई जा रही है सीवीएम के थ्रू। यही तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप जो 85% कह रही हैं, वो 85% तो मोदी जी कहते हैं हमारे साथ खड़ा है, सबसे ज्यादा रिजर्व सीटों से भाजपा के लोग चुनकर आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपका वाला 85% दरअसल हमारे साथ आ गया है, आप तो बेकार में चौराहे पर चिल्ला रहे हैं। आपके घर पे कोई चोर चोरी करेगा, जब आप उसे हिरासत में लेके जाओगे तो चोर कभी कहेगा मैंने चोरी करी है, तो ये वही मोदी जी हैं, ये चोर ठग हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि मैंने चोरी करी, मैंने ईवीएम से ठगी करी, ईवीएम की सरकार बनाई, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, नहीं लोग साथ नहीं है, जनता सिर्फ वो खूंटे से बांधे हुए कुत्ते की तरह, जो इनके हमारे नेता जो वहां पे गए, जो हमारी बात नहीं करते, जिनको एक मंत्री पद, एक एमएलए एमपी बना दिया जाता है, बोला चुप, अब बस बन गए ना, चुप रहना, जो बोलेगा वो किया जाएगा, वो हमारे लोग नहीं है सर, वो हमारे लोग नहीं है, अगर हमारे लोग होते तो वो इस विचारधारा की पार्टी को चुनते ही नहीं, तो हमारे लोग एक तरफ है, हमारे लोग वो है जो जमीन पे, हमारे लोग वो है जो यहाँ बैठे आज, जो लड़ रहे हैं संसद में बैठे, हमारे लोग कैसे हो गए, आज संसद में बैठे ऑपोजिशन सांसद जो है उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, वो तक मनोज झा जी मेरे धरने पे आए, उन्होंने कहा कि अब संसद से भूल जाओ न्याय मिलेगा, आपकी आवाज उठाई जाएगी, अगर न्याय लेना तो सड़क पे आओ, सड़क से संसद तक का रास्ता तय करो, आवारा हो चुकी है संसद, तो इसको सुनसान नहीं रहने दो, तो जनता जो है भारत की जनता वो अब सड़कों पे आएगी, अब जनता की अदालत से बड़ी तो कोई अदालत नहीं है ना, तो जनता की अदालत फैसला करेगी ना, कौन कहां वोट देगा, कैसे वोट देगा, कैसे चार्ज चलेगा, लोगों का राज है ना, लोकतंत्र है, सो पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी विल डिसाइड कि क्या होगा और कैसे भारत चलेगा, तो ये एक चेंज बहुत जरूरी है जो आ रहा है, और आई थिंक ये एक स्टेप फर्स्ट है कि इसमें कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन ऐसे स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है, उनकी भी मजबूरी बन जाएगी इसको सपोर्ट करना, इसके साथ जुड़ना। तो ये जो कह रही है कि ये जनता सड़कों पर आ रही है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये तो बिखरे हुए लोग हैं जो कभी जमा हो जाते हैं साल 6 महीने पर, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, इसकी कोई राजनीतिक तरतीब तो बनती हुई नजर नहीं आती। देखिए सर, जब शुरुआत किसी चीज की होती है ना, तो बहुत सारे शक शुबा दिमाग में होते हैं, आपको, आप एक बार गिरते हो आप फिर उठते हो, आपको रुकना नहीं है, मुझे लगता है कि जितने भी लोग आज स्टेज पे भी हैं और जो भी लोग जुड़े भी हैं, वो सब जागरूक है, इतनी ठंड में अगर कोई अपना कंफर्ट छोड़ के आया है तो उसके अंदर लग रही होगी ना, उसको वो तकलीफ होगी, तो ऐसे ही चेंज आता है, ओवरनाइट रेवोल्यूशन नहीं आ जाता, ग्रेजुअली स्लोली, आज ये हुआ, इनकी रणनीति होगी, आगे की स्टेप्स होंगे वो बताएंगे, मुझे लग रहा है कि आवाम समझेगी और आएगी। अच्छा, एक सवाल जो आम तौर पर हर एक पत्रकार से पूछा जाता है और आपकी तरह के हर एक्टिविस्ट से, हर प्रोफेसर से भी पूछा जाता होगा जो सड़कों पर आने को राजी है, कि मोदी नहीं तो कौन? सर बहुत विकल्प है, ये एक मीडिया का बनाया हुआ प्रोपोगंडा है, ये इस तरीके का प्रोपोगंडा है कि आप बता रहे हो कि जो राम को लाए थे अब उनको लाना, मतलब अगर प्रभु राम भगवान है तो उनको किसी को, मोदी जी लेकर आए हैं राम को, वो इज मोदी अ गॉड, कैन आई आस्क द पीपल ऑफ इंडिया जो जागरूक हैं, जो सिटीजन हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे पूछ सकती हूँ इज मोदी अ गॉड, तो अगर वो गॉड नहीं है तो व्हाई मीडिया, इट्स ओनली अ प्रोपेगेंडा व्हिच इज बीइंग स्प्रेड बाय मीडिया कि भैया मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो देर आर मैनी, मोदी नहीं तो मायावती जी हैं, मोदी नहीं तो देर आर अदर पीपल जिनके है, जो डिजर्व करते हैं वहां पे बैठना, मोदी नहीं तो आप, मोदी नहीं तो मैं, मोदी नहीं तो ये जनता, मोदी मोदी क्यों मोदी सर? आपने संबित पात्रा का नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना, कौन है वो? वो कहते हैं कि मोदी देश के बाप है। अच्छा, उनको अपने बाप का पता है? हैं? उनको अपने बाप का पता है? रो रहा होगा आज वो बैठ के, फील पिटी फॉर मिस्टर पात्रा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो वाकई बहुत कड़कड़ाती हुई सर्दी है, जनवरी का महीना है और दिल्ली का मौसम आप सब लोग समझते हैं, लेकिन इस मौसम में जो राजनीति की गर्मी है और उससे ज्यादा लोकतंत्र को बचाने की जो बेचैनी है, वो साफ इन चेहरों पर पढ़ी जा सकती है, इन पर देखी जा सकती है और आप महसूस कर सकते हैं लोकतंत्र को बचाने के इस ताप को, इस बेचैनी को, इस समझ को, इस सामूहिक चेतना को।
डॉक्टर रितु आर्टिकल 19 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से दिल्ली विश्वविद्यालय में आए और एक इनकलाब वहाँ देखें। 19 को बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है कि रोहित विमुला दोबारा दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी को मेरे भाई रोहित विमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ था। तो मैं आर्टिकल 19 की पूरी टीम को कहती हूँ कि जरूर आए वहाँ पे, ये इनकलाब होगा दिल्ली। मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आप दिल्ली में हैं, इसके आस पास हैं और अगर आप आ सकते हैं तो 19 तारीख को पहुंचिए डॉक्टर रितु के धरने पर। दिल्ली में ताला लगाया जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मांग उठी है कि फिर से कोई रोहित विमुला ना हो, तो इसके लिए डॉक्टर रितु का समर्थन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।